गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जूनागढ़ में बाढ़ का भयंकर असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच जूनागढ़ जिले के केशोद में दो लोग तेज बहाव में फंस गए। खुद को बचाने के लिए दोनों ने पास में मौजूद एक बिजली के खंभे की मदद ली और दोनों 8 घंटे तक बिजली के खंभे से चिपके रहे। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को इस बारे में खबर मिलने के बाद भी वो मदद को नहीं पहुंच सकते थे। ऐसे में प्रशासन को सूचना दी गई। बाद में भारतीय वायुसेना की टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए उन दोनों को सुरक्षित बचाया। इन दोनों को जामनगर वायुसेना स्टेशन ले जाया गया, जहां इनका मेडिकल चेकअप किया गया। बताया जा रहा है कि शोध तालुका के सुतरेजा गांव के दो किसान अपने खेतों में मौजूद थे, तभी तेज बारिश से कुछ ही देर में भारी जलभराव हो गया। दोनों किसान फंस गए। खुद को बचाने के लिए दोनों ने खेत में मौजूद बिजली के खंभे का सहारा लिया, लेकिन बारिश नहीं थमी। आखिर में हालात बिगड़ते चले गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने भी दोनों किसानों को बचाने की कोशिश की, लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। बाद में किसानों को बचाने के लिए जामनगर वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। किसान फिलहाल जामनगर के वायुसेना स्टेशन में भर्ती है। उनका मेडिकल चेकअप किया गया और कुछ दवाएं भी दी गई। किसानों ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। बारिश इतनी ज्यादा तेज हुई कि आधे घंटे में स्थिति बिगड़ गई। तेज बहाव से बचने के लिए वे खंभे के पास पहुंचे थे, लेकिन बाद में जब ज्यादा जल भराव हुआ तो फिर बिजली के खंभे को पकड़कर खड़े रहना पड़ा। जानकारी मिलने पर गांव के लोगों ने स्थानीय प्रशासन और फिर जिला प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद रेस्क्यू के कई ऑपरेशंस चलाए गए। बाद में हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों को बचाया गया। बता दें कि गुजरात में मॉनसून की भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। राज्य के कच्छ, गांधीधाम, जामनगर और जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद काफी सारे गांवों का संपर्क टूट गया, तो वहीं काफी सारे गांवों में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। सबसे ज्यादा स्थिति जूनागढ़ में बिगड़ी है। गीर के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से जिले के कलवा और ओजल नदी उफान पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में भारी बारिश के बीच 12 लोगों की मौत भी हुई है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।